साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों अभी आपको मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं राजकीय अस्पताल मोर्चरी की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब मामला क्या है साथियों, मैं आपको बता देता हूं। पिछले 5 दिन से कलेक्ट्रेट के बाहर एक धरना चल रहा है गोस्वामी समाज का, जिस पर गोस्वामी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पुरी भी उस धरने पर बैठे थे। पिछले 5 दिन से हमेशा पुलिस अधीक्षक को और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते थे। धरना था साथियों देवका गांव में, एक दो बच्चों की मृत्यु का, जो डिक्की में गिर के उन बच्चों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद लगातार 5-6 दिन से धरना चल रहा था, हमेशा ज्ञापन भी देते थे करते थे। रात को अचानक प्रकाश पुरी की तबीयत एकदम खराब हो गई। खराब होने के बाद धरने पर बैठे मौजूद लोगों ने तुरंत उपचार के लिए राजकीय अस्पताल लेकर आए। राजकीय अस्पताल लाते ही प्रकाश पुरी जी का निधन हो गया। तो साथियों निधन होने के बाद समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं मोर्चरी के बाहर। प्रकाश पुरी जी के परिवार के लोग आए हैं, प्रकाश पुरी की धर्म पत्नी आई है, उनके बेटे आए हैं, और भी परिवार के लोग आए हैं। तो साथियों अपन जानते हैं पूरा मामला समाज के लोगों से। पुलिस भी मौके पर पहुंची है सिटी कोतवाली की, अभी तक मामला दर्ज इन्होंने रिपोर्ट भी नहीं दी है। क्या मामला है तो चलो इनके परिवार से जानते हैं। एक बार शेयर कर दो साथियों इस पोस्ट को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता। इस पूरे मामले को लेकर समाज के लोगों से बात करते चर्चा करते शहर के कोतवाल गंगाराम व पुलिस जाप्ता तैनात है। क्यों ये जो प्रकाशपुरी जी गुरुजी है, जो पाली के निवासी है, अध्यक्ष है, जो गोस्वामी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके ये बच्चे हैं और पास में बैठे इनके धर्म पत्नी है, ये पाली से अभी आए हैं। कल रात को प्रकाशपुरी जी की अचानक धरने पर बैठे थे कलेक्ट्रेट के सामने, धरने पर बैठे थे, उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद वहाँ खड़े मौजूद लोग, जो समाज के लोग थे धरने पे, वो तुरंत राजकीय अस्पताल लेकर आए उपचार के लिए। अस्पताल में डॉक्टरों से बात करते करते प्रकाशपुरी ने अपनी लीला को समाप्त कर दिया वहाँ पर ही। उसके बाद अभी समाज के लोग सभी यहाँ मौजूद है। राजकीय अस्पताल की जो मोर्चरी है उसमें प्रकाशपुरी जी का शव रखवाया है। अभी परिजन यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद जो भी निर्णय होगा जो समाज के लोग परिवार के लोग लेंगे। तो आपको मैं, ये परिवार है छोटा सा, एक प्रकाशपुरी जी का 3 बेटे हैं, एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है और धर्म पत्नी है इनकी, ये इनकी बहन है। इनसे बात करते हैं थोड़ी, क्या नाम है आपका? ललिता गोस्वामी। ललिता जी, गुरु जी से लास्ट बात आपकी कब हुई थी? 12:30 बजे रात को। हाँ। रात को 12:30 बजे वीडियो कॉल से क्या कहा था आपको? खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, किसने बुलाया है। हाँ। फिर खाना खा के भी उतरे, उधर तो बात हो गई थी, फिर उसके बाद में बात नहीं हुई। तो आपको ये मैसेज कब मिला है? मेरे को रात को सुबह में 3 बजे सुबह 3 बजे क्या कहा? उन्होंने बात नहीं किया, दूसरों ने बोला कि ऐसा हो गया है, मेरे पारी ने बोला है ऐसा हो गया, तो हम निकल गए थे। तो आपने कोई रिपोर्ट दी अभी? नहीं, कुछ नहीं दिया अब तक, तो कुछ नहीं कहा। हाँ। दिया नहीं, अब देंगे। दिया नहीं तो अभी क्या पोस्टमार्टम करवाओगे? पोस्टमार्टम तो करवाएंगे मेरे मम्मी पापा आने के बाद। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मी नाम है। लक्ष्मी, आप क्या लगती हो प्रकाशपुरी जी के? मैं सिस्टर हूँ। सिस्टर हो, तो आपकी बात कब हुई थी भाई से? परसों हुई थी, कल तो हुई नहीं। कल मैं भी बिजी थी और वो भी नहीं किया। हाँ, तो अभी आप कहाँ से आए हो? फालना से आए हो, ठीक है। ये परिवार है, साथियों ये तस्वीरें बाड़मेर के राजकीय अस्पताल स्थित मोर्चरी की है, जो समाज के लोग यहाँ खड़े हैं।